नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, बिग बॉस 18 के घर के अंदर अपकमिंग एपिसोड में चाहत पांडे के साथ होने वाली है दोस्तों बड़ी ना इंसाफी। चाहत पांडे के साथ जो है अपकमिंग एपिसोड में होगी धक्का मुक्की, यहां तक कि ईशा सिंह जो कि पहले चाहत पांडे को खाना बनाने से पूरी तरह से रोकेगी, जिसके बाद चाहत पांडे पूरी तरह से जब अपनी जिद पर अड़ेगी तब ईशा सिंह जो है गुस्से में आकर चाहत पांडे पर पूरी तरह से जो है अपना हाथ चलाते हुए नजर आएगी और चाहत पांडे को जोरदार थप्पड़ मारेगी। लेकिन चाहत पांडे के जो दोस्त हैं यहां पर अविनाश मिश्रा और विवेक देसेना, जो कि चाहत पांडे के साथ अभी नई नई बॉन्डिंग उनकी बनी है, उन्होंने भी चाहत पांडे का साथ दिया है और ईशा के खिलाफ जो है वो जाते हुए नजर आए हैं दोस्तों, और सबसे बड़ा कदम जो है उठाते हुए नजर आए हैं। क्या कदम उठाया है ईशा के अगेंस्ट में अविनाश और विवेक ने, और चाहत ने कैसे थप्पड़ मारा, चाहत को कैसे थप्पड़ पड़ा ईशा सिंह के द्वारा, सारी की सारी बातें आपको बताएंगे दोस्तों हम पूरे विस्तार से। लेकिन इससे पहले चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए बिल्कुल भी। अविनाश मिश्रा अपनी बात पर अड़े रहते हैं और जेल में रहकर सारे घर वालों को यह कहते हैं कि जब तक मुझे सॉरी नहीं मिलेगी करणवीर मेहरा के द्वारा तब तक मैं जो हूं मैं सभी लोगों को खाना नहीं दूंगा, ये बात अविनाश मिश्रा बोलते हैं। और यहां पर साथ ही साथ बताना चाहते हैं यहां अविनाश मिश्रा जो है अपने दोस्त विवेंद्र सेना, और साथ ही साथ बताना चाहते हैं यहां पर जो विवेंद्र सेना को दे देते हैं और चाहत पांडे को खाना जो है उनके हिस्से का दे देते हैं और बोलते हैं कि आप लोग इस खाने को जो है ले जाकर बना लीजिए और बना के आप खा लीजिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप ही बनाइएगा, किसी और को आप लोग नहीं दीजिएगा। जब लोग बाकी लोग जो है मुझे अपोलोजाइज्ड मेरे से मांगते हुए नजर आएंगे तब मैं जो है उनको खाना दे दूंगा, ये बात जो है वो बोलते हैं। अब चाहत पांडे और विवेक सेना के अगेंस्ट में पूरे घर वाले रहते हैं क्योंकि पूरे घर वाले जो है अनशन पर रहते हैं, पूरे घर वाले जो हैं वो इस फैसले पर अड़े रहते हैं कि खाना दोगे तो सबको खाना दो, वरना अगर तुम किसी एक के दुक्के को खाना दोगे तो हम लोग खाना बनाने ही नहीं देंगे, ये लोग अपने जिद पर अड़े रहते हैं। अब बताना चाहते हैं चाहत पांडे को भूख लगता है तो चाहत पांडे जो है खाना बनाने की कोशिश करती है, अब ऐसे में सारे लोग जो है उन पर टूट पड़ते हैं, चुमदरंग, रजत दलाल और सारा अरफीन खान और यहाँ पर जो हेमा हैं वो भी टूट पड़ती हैं चाहत पांडे पर, और ईशा सिंह तो यहाँ तक कि इस कदर गुस्से में हाइपर हो जाती हैं कि वो थप्पड़ जड़ देती है यहाँ किसी और को नहीं बल्कि चाहत पांडे को, जिसके बाद बड़ा बवाल जो है घर के अंदर मचता है। अब ऐसे में अविनाश मिश्रा जो कि पूरी तरह से ईशा सिंह के साथ नजर आते थे, ईशा सिंह का सपोर्ट वो करते थे, उनके सामने भी आ गई असली सच्चाई ईशा की, ईशा कितनी दोगली है, ईशा कितनी चालबाज है और ईशा कितनी इनसिक्योर है यहां पर चाहत पांडे से, यह बात जो है अविनाश मिश्रा को प्रूफ हो गया। और विवेक देसेना भी यहां ईशा सिंह को गलत बोलते हुए नजर आए और ईशा सिंह को यह कहते हुए नजर आए कि तुम गलत हो और तुमने गलत किया है, अब तुम भी चाहत से जो है माफी मांगो, चाहत से माफी मांगो, और अविनाश भी बोलते चाहत से माफी मांगनी पड़ेगी तुम्हें, यह बात जो वो कहते हुए नजर आते हैं दोस्तों। सो ये बड़ा बवाल आपको अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा दोस्तों बिग बॉस 18 के घर के अंदर। सो कितने ज्यादा आप हैं एक्साइटेड इन सभी चीजों को देखने के लिए कमेंट के थ्रू आप हमें ये बात तो जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ क्विक टीवी न्यूज की रिपोर्ट।